नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको मालूम तो है एमएसबीटी का टाइम टेबल आया है, एग्जाम का डेट है 20 दिसंबर टू 23 दिसंबर के बीच में दो दिन कौन सा भी आपको एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए मैंने एमएसबीटी एडीएस एग्जाम 2023 का सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट कौन से एग्जाम होने वाले हैं और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सेमेस्टर वन ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू टाइप, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपने किसके ऊपर फोकस करना है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए, टॉपिक और कंटेंट्स ये लिखे हैं मैंने, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स को आने वाले। उससे पहले आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 28126 और उस सब्जेक्ट का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन। उसका एक एग्जाम होने वाला है, तो उसमें टॉपिक्स कौन से उतना ध्यान रखिए, आपके नोट्स में भी देखिए। सब्जेक्ट कोड है, बुक्स कोड है 28126, सब्जेक्ट का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन। उसमें से देखिए 70 मार्क्स की जो एग्जाम है उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। पहला है फैक्टर एक्ट 1948, फैक्टर एक्ट 1948 जो टॉपिक है वो 10 मार्क्स को आने वाला है। दूसरा है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो 12 मार्क्स को आने वाला है। तीसरा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, वो भी 12 मार्क्स को आने वाला है। चौथा टॉपिक से OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, वो भी 12 मार्क्स को आने वाला है। पांचवा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड रूल्स, वो भी 12 मार्क्स को आने वाला है। और छठवा है ILO कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन कंसर्निंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वो भी 12 मार्क्स को आने वाला है। छह टॉपिक्स में से पांच टॉपिक 12-12 मार्क्स को आ रहा है, 12×5=60 और ऊपर का एक पहला है फैक्ट्री एक्ट का 10 मार्क्स आने, 10 को टोटल हो गए 70 मार्क्स, कुल मिला के 70 मार्क्स का आपका एग्जाम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक्स है, उसमें से खाली पहला टॉपिक फैक्ट्री एक्ट 1948 10 मार्क्स को आने वाला है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सब टॉपिक्स 12 मार्क्स को आने वाले। मतलब वो कंटेंट से और टॉपिक से फैक्ट्री एक्ट 1948 में आपको 10 मार्क का गिरेगा ही गिरेगा। ILO है, ILO का 12 मार्क का गिरेगा ही गिरेगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 उसमें 12 मार्क्स का गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए आप आंखें बंद करके इतना टॉपिक्स में इतना मार्क्स का आने वाला है, इतना अपने को करने का ही है। जैसा जितना समय मिलेगा वैसे में क्वेश्चंस निकल गए एमसीक्यू टाइप में, कैसे कैसे कौन से क्वेश्चंस 99% आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस छुड़ा सकते हैं, एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन तब तक आप पढ़ाई चालू करो, नोट्स आपके पास है क्या एक बार चेक करिए, इंस्टीट्यूट से नोट्स मांगिए। तो आप उन्होंने देख लिया अभी 28126 सब्जेक्ट कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन में 6 टॉपिक्स है, 6 कंटेंट्स है, उसमें कौन से कंटेंट्स कितने मार्क्स को आने वाला है। चलो दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, कौन सा दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम है और उसमें कौन से टॉपिक्स है और उसमें कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स को आने वाला है। दोस्तों दूसरा टॉपिक है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, उसका कोड है, उसका सब्जेक्ट कोड है 28127, सब्जेक्ट कोड है 28127, सब्जेक्ट का नाम है, टॉपिक का नाम है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। उसमें टॉपिक्स एंड कंटेंट्स कौन से आएंगे और कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स को आने वाला है, तो देखो पहला है इमरजेंसी प्रिपेडनेस एंड रिस्पांस प्लान, उसको ही बोलते हैं ईआरपी प्लान, वो 10 मार्क्स को आने वाला है, वो करना ही करना है आपको, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको सब मालूम है। 28127 थोड़ा सा आसान है, दिखता है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट को आसान समझने का नहीं, आता बहुत है, सब कुछ है, पढ़ने का लगता है हाँ ये तो मेरे को मालूम है, लेकिन हल्के में नहीं लेने का, एग्जाम एक बार होने वाला है तो उसी फर्स्ट इसमें से अपने को पासिंग के मार्क्स मिलाने वाले। जब रिटर्न के लिए एग्जाम होता है तो पेज के ऊपर दो दो तीन तीन पन्ने लिख के पास होते हैं, सब इलबोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू है, एक ही है जो सही है उसको ही क्लिक करने का है, गलती से भी गलत क्लिक हो गया तो अपने को मार्क्स नहीं मिलेंगे। और उतना ध्यान में रखने का है कि उतना पेशेंस रखने का है, जब अपने को डेढ़ घंटे का समय मिलता है तो हर एक क्वेश्चंस गड़बड़ी में छोड़ने का नहीं है, कूल रहने का, आराम से क्वेश्चंस पढ़ने का, आराम से सोचने का, हाँ यही बाबा कंफर्म है अपने को मालूम है, यही एमसीक्यू में वही उसका सही आंसर है, तो तभी उसको सिलेक्ट करने का है। लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, घबराहट गेट के बाहर ही छोड़ देने का है, अंदर आए तो कूल माइंड से अंदर आने का, तभी आपको एमसीक्यू टाइप का एग्जाम आसानी तरह से दे सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, कैसा एग्जाम देने का है, कैसा प्रिपेयरनेस करने का है। तो पहला है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस प्लान, वो 10 मार्क को आना ही है और आने वाला ही है, उसका टेंशन ही नहीं है।
दूसरा है सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स लोडिंग अनलोडिंग करते समय में, ट्रांसपोर्टेशन करते समय में, हैंडलिंग करते समय में क्या क्या सुरक्षा लेनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर से, क्या क्या हजार से, वही उसमें पूछेंगे, वो अपने को 12 मार्च को आने वाला है। तीसरा है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं PSM, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का टॉपिक से, वो भी 12 मार्च को आने वाला है। चौथा है सेफ्टी इन प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वो भी 12 मार्च को आने का है। प्लांट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में अपने को पूछने वाले है, उसमें पूछ सकते हैं MPCB लेवल क्या है, MPCB क्या है, वो जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा मैं वीडियो ले लूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, खाली कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स हुए उतना ध्यान दे दो और उसका पढ़ाई चालू करो। नोट्स इंस्टीट्यूट से नोट्स मंगा लो, नहीं है तो है तो पढ़ाई चालू करो। आगे का है पांचवा टॉपिक से फायर एंड एक्सप्लोजन सेफ्टी मेजर्स, फायर का एक्सप्लोजन क्या है और उसको सेफ्टी मेजर्स क्या है। छठवा है प्रेशर सिस्टम हजार्ड्स एंड कंट्रोल, जो प्रेशर सिस्टम रहती है उसका हजार्ड्स क्या है और जो हजार्ड्स है उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या कर सकते हैं, वो भी 12 मार्क्स को है। 1, 2, 3, 4, 5 ये भी 12, 5, 60 और 10 मार्क्स, 70 मार्क्स का फुल एग्जाम है। तो इसका भी देखो 2827 केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का, इसका भी पहला है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स प्लान, वो 10 मार्क का है। बाकी जो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा है वो 12 मार्क्स का है। मैं बोल रहा हूं जो दो पेपर है खाली ADS के लिए, FRAPS वाले ने ध्यान नहीं देने का, नॉलेज के लिए ध्यान दे सकते लेकिन अभी वो समय नहीं, अभी एग्जाम का समय, एग्जाम पास करने का है। आप बोलेंगे FRAPS वालों को दिया नहीं, खाली ADS वालों को दिया है, आगे वाला वीडियो FR और FS वालों का भी है। एक वीडियो में पूरा वीडियो FR का FS का लेते थे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था, बच्चों को पता नहीं चलता था, इसलिए पहले मैंने ADS वालों का ही लिया है। ADS वालों को बताया है पहले 28126 में क्या क्या टॉपिक्स है और कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स को आने वाला है, 28127 में क्या क्या टॉपिक से कितने मार्क्स को आने वाला है बताया है। FR और FS वाले का आगे वाला वीडियो उनको ही बनाने वाला हो, उनका ही है, उनको भी ऐसा ही दिया जाएगा FR में कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट है, कितना मार्क्स को है, FF में कौन से टॉपिक्स, कितना कितना सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स है वो दिखाया जाएगा। लेकिन मेरा इतना कहना है ADS वाले को ये मालूम हुआ है तो पढ़ाई चालू करो, FR FF वाले को मिला नहीं तो पढ़ाई बंद मत करो, जो कुछ आपको समझ में आता है तब तक आप पढ़ाई चालू रखो। ADS वाले को, FR वालों को, FF वालों को, सबको मेरा कहना है कि नोट्स आए हैं तो पढ़ो, कुछ ना कुछ रोज पढ़ना चालू करो, नहीं आए तो मैनेजमेंट के पीछे, इंस्टीट्यूट के पीछे लग के नोट्स मंगा लो, नोट्स चाहिए, यही दो सब्जेक्ट के नोट्स है। और हाँ आपको बताता हूं, ये हो गया ऑनलाइन एग्जाम, प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट का होने वाला है वो भी सब्जेक्ट कोड में आपको बता रहा हूं, खाली ADS वालों के लिए। थ्योरी का तो हमने देख लिया ऑनलाइन कौन सा एग्जाम होना, लेकिन प्रैक्टिकल 28040 इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यह प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के बारे में ज्यादा सोचने का नहीं, इंस्टीट्यूट कॉलेज आपको बता देगा प्रैक्टिकल के बारे में, लेकिन कौन सा टॉपिक है, सब्जेक्ट कोड क्या है, नाम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ ADS वालों के लिए। दूसरा है 28041 इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इसका भी प्रैक्टिकल है। तीसरा है 28042 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट नाम है उसका, ये तीनों का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, प्रैक्टिकल के बारे में ज्यादा सोचने का नहीं, इंस्टीट्यूट आपको दे देगा, अभी अपने को सोचने का है ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, जो पहले मैंने अभी बताया है किसके किसके ऊपर फोकस करने का है। तो चलो ADS वाले को मिला है, नोट्स होगा आपके पास, ऐसे में आशा करता हूं आप पढ़ाई चालू करो, जैसा समय मिलेगा वैसा एग्जाम कैसे आने वाले, क्वेश्चन कैसे आने वाले उसका वीडियो में बनाने वाला, या फिर वाले ने टेंशन नहीं लेने का, आगे वाला वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, कौन सा सब्जेक्ट के कितने मार्क को आने वाला है, यही वीडियो सबको फॉरवर्ड करो, जिसको मालूम नहीं उसको मालूम होना चाहिए, अपने दोस्त में फॉरवर्ड करो, उनको भी मालूम होना चाहिए, उनको भी एग्जाम अच्छी तरह से जाना चाहिए। जल्दी लेके आऊंगा एक नया वीडियो, तब तक